नमस्कार, स्वागत है आपका IDP24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पहली बार राजधानी रायपुर के स्वर्ण भूमि में श्री कन्हैयालाल भट्ट जी राजपुर निवासी द्वारा गणेश महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की आयोजककर्ता श्रीमती पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने बताया कि उक्त गणेश महापुराण कथा 3 सितंबर को श्री गणेश स्थापना हवन से प्रारंभ होकर 7 सितंबर को श्री गणेश व्रत कथा, श्री गणेश अन्नकूट दर्शन, श्री गणेश दृश्य के साथ साथ श्री गणेश चालीसा, श्री गणेश भजन व सम्मान समारोह के बाद पूर्णाहुति के साथ समाप्त होगी। श्री मनुदेव गौड़ा ने बताया कि पूरा आयोजन स्वर्ण भूमि के एरा ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि उक्त कथा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे, श्रीचंद सुंदरानी, आकाश तिवारी, नितिन भंसाली, अनिल ज्योति सिंघानी सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित होंगे। श्रीमती पल्लवी मणिदेव ने बताया कि 7 सितंबर को शाम 7:30 बजे ग्राउंड पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 5,000 श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो पुराण की गाथा यहाँ पर कल से प्रारंभ हो रही है, वो भगवान बादरायण व्यास जी ने अपने हाथों से कर कमलों से जो 36 पुराण लिखे, 18 पुराण 18 उप पुराण, उसका एक बहुत सुंदर भाग है गणेश पुराण। हमारे यहाँ गणेश पुराण, गणेश जी का उत्सव होता है, गणेश जी की प्रारंभ में पूजा होती है, गणेश जी का नाम लिया जाता है, मगर गणेश जी का चरित्र, गणेश जी की लीला, गणेश जी कैसे प्रादुर्भाव हुए, उसका शादी ब्याह क्या हुआ, उनकी विशेष कथा का बहुत कम प्रचार रहा है। जो जानते थे वही विद्वत लोग ही जानते थे, मगर आम समाज नहीं जानता था। ये अप्रस्तुत ग्रंथ कहा जाता था, मगर यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रयोग हो रहा है कि 4 ग्रंथों को मिलाकर गणेश पुराण बनाया गया है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मुद्गल पुराण और चौथा है गणेश पुराण। गणेश पुराण में कुल मिला के 11,189 श्लोक है, 217 मतलब 217 उसके अध्याय है और 2 खंड है, जिसमें गणेश जी का महिमा भी है उपासना खंड में और क्रीड़ा खंड में। गणेश जी कैसे बड़े हुए, क्या क्या उसने लीलाएं की, इतनी अद्भुत लीलाएं कि जो सुन नहीं बैठे वो कभी उस कथा को बीच में छोड़ न सके, ऐसी रुचिकर और सबको प्रिय लगे ऐसी भगवान गणेश जी की लीला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।